शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। की जा रही थी रोहित, मुझे तो लगा था कि तुमने बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे क्या कहते हैं, स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट माय फुट। अपनी बहन की शादी के लिए आदित्य के सामने हाथ फैलाते हुए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहां गई रोहित? ओ ओ ओ ओ वाओ, ओ ब्लैंक चेक, मतलब जितना चाहो उतना निकलवा लो। हूं मॉम, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा खुशी, तुम आ गई। देखो अपने स्वाभिमानी पति की करतूत। क्या है ना कि घर पे बहन की शादी है तो पैसों की जरूरत है, इसलिए अगर तुमसे और मुझसे पैसे मांगते तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती, लेकिन आदित्य के सामने अगर हाथ फैला लिया तो क्या फर्क पड़ता है? हिज फैमिली नो, लुक लुक एट दिस। अब समझ आया तुम्हें कि आजकल रोहित हमसे इतने दूर दूर और आदित्य के इतने ये सर क्यों बने हुए? हाँ, अपनी पत्नी से नहीं मांगोगे लेकिन अपनी पत्नी के भाई के सामने हाथ जरूर फैला सकते हो। जब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि ऑफिस में बॉस बनकर रहो, अपने पैसों पर हक जमाना सीखो, तो तुमने मेरी तरफ ऐसे देखा था रोहित कि जैसे मैंने बहुत छोटी सी बात करती हो। अपनी बीवी के लिए तोहफा खरीदने के तुम्हारे जेब में पैसे तक नहीं है। मुझे सो कॉल हनीमून के लिए लेकर गए लेकिन मेरी मॉम के पैसों से। मुझे हमेशा ये जतलाते रहते हो कि जो मैं और मेरी मॉम तुम्हें देंगे वो तुम चुपचाप ले लोगे, लेकिन आज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारे अहम को क्या हो गया रोहित? अपनी जरूरत के लिए आदित्य भैया के तलवे चाटने लगे? अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। ऐसा एक चेक तो क्या 100 चेक में भरकर तुम्हारे मुंह पर फेंक देती। मेरी और मेरी मॉम की इज्जत का ख्याल तो रखा होता रोहित। दूसरों के सामने भिखारियों की तरह भीख मांगने की क्या जरूरत थी रोहित? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अब मुझे सब समझ में आ रहा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ढिंढोरा सिर्फ मेरे सामने पीटा जाता है। आखिर कैसा स्वाभिमान, कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट, कैसा अहम रोहित? ये जो तुमने महंगी सी शर्ट पहनी हुई है ना, ये भी मैंने दी। और ये डायमंड रिंग, ये भी मैंने तुम्हें दी। और सोसाइटी में जो तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत है, वो सब किसकी वजह से है रोहित? मेरी वजह से। वरना तुम जैसे मिडिल क्लास आदमी को इस सोसाइटी में कौन पहचानता था? और हाँ, जो खाना तुम खा रहे हो ना रोहित, ये भी मेरी बदौलत ही खा रहे हो। ये खाना खाते वक्त तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें धिक्कारता नहीं है?
enough. आज मैं तुम्हारे साथ हर रिश्ता हर नाता खत्म करता हूं, हर रिश्ता तोड़ता हूं मैं तुम्हारे साथ और आपके साथ। तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आया, अपनी जॉब छोड़ी, अपना स्वाभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब तुम्हारी खातिर छोड़ी। सिर्फ इसलिए ताकि तुम समझ जाओ, ताकि तुम हमारे रिश्ते को अहमियत दो। कोई फायदा नहीं हुआ। तुम एक सिरफिरी और अमीर घर की बिगड़ी हुई बेटी थी, और आगे भी तुम ऐसे ही सिरफिरी रहोगी। अपनी हदें तो तुम कब की पार कर चुकी हो। वो मैं था जो चुपचाप बैठा हुआ था, तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम्हारी खातिर, अपने प्यार की खातिर, इसी उम्मीद से कि हाँ एक दिन तुम समझ जाओगी, एक दिन हमारे प्यार को अहमियत होगी, एक दिन हमारा प्यार फिर पटरी पर आएगा। इसी उम्मीद में था मैं, राज को उम्मीद में, क्योंकि अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा। इट्स ऑल ओवर। तुम अपने आप को समझते क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? रोहित, हाउ डेयर यू? जब प्यार था तो रिश्ते की उम्मीद भी थी, और इसी रिश्ते की उम्मीद ने मेरे हाथों को बांधा हुआ था, मेरी जबान को रोका हुआ था। अब कोई रिश्ता नहीं रहा तो अब कोई उम्मीद भी नहीं रही। आज मैं आजाद हूं, और इसी आजादी ने मुझे एहसास दिलाया, मुझे हिम्मत दी कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिला सकूं। जस्ट शट अप रोहित। तुम बताओगे मुझे मेरी बेटी की गलतियां? तुम कभी अपने अंदर झांक कर देखा है कि तुम खुद क्या हो? जिंदगी बर्बाद कर दी है खुशी की तुमने। मैंने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है? आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली आप खुद है, क्योंकि आप नहीं जानती शादी के बाद लड़की के और भी रिश्ते होते हैं। वो किसी की बीवी होती है, किसी की बहू होती है, किसी की भाभी होती है, मगर आपको सिर्फ एक ही रिश्ता पता था, सिर्फ एक ही रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता। यही वजह है कि ना खुशी किसी की बीवी बन सकी, ना किसी की बहू बन सकी, और ना ही किसी की अच्छी भाभी बन सकी। आपने खुद आज तक कोई फर्ज नहीं निभाया, तो फिर आपकी बेटी कोई फर्ज कैसे निभा लेती? एक बेटी वही करती है, उसी राह पर चलती है जो राह उसे उसकी मां दिखाती है। गुस्सा है मुझे खुशी, बहुत गुस्सा है, मगर उससे ज्यादा मुझे खुशी पर तरस आता है, क्योंकि इसकी मां आप है। मैं जा रहा हूं अपनी बेटी के साथ, उसकी जिंदगी के साथ। अब जो खेल खेलना चाहती हूं शौक से खेल सकती हूं। एक मिनट रोहित, मेरी खुशी भी तुम्हारे बिना बहुत अच्छी तरह जी सकती है, उसे भी कोई जरूरत नहीं है इस रिश्ते की। और तुम क्या क्या कहा तुमने? मैं और मेरी बेटी तुमसे इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मैं और मेरी बेटी तुमसे इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अरे मैं तो खुद तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी इतने दिनों से। मेरी बेटी तुम्हें चाहती है सिर्फ इसलिए, वरना तुम और तुम जैसा छोटा इंसान मेरी बेटी और उसकी चाहत को डिजर्व ही नहीं करते हो। और मैं तो तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता तो बहुत दूर की बात है रोहित, बात तक करना पसंद नहीं करती है। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो, लीव, लीव। रोहित रुको, रोहित। Oh,
कहीं जा रहे हो बेटा? रुक क्यों गए? अपनी अकड़ और रोब तुम मुझे तो बिल्कुल मत दिखाना रोहित, डोंट यू डेयर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें एक मिडिल क्लास माहौल से निकाल करके एक हाई स्टेटस लाइफ दें, बट नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं पहले भी तुम्हें कहा था ना कि एक इंसान को उसके मिडिल क्लास माहौल से तो निकाला जा सकता है, लेकिन उसके अंदर रची बसी मिडिल क्लास मेंटालिटी को कभी नहीं। अपने आप को तो बदल नहीं पाए तो क्या करो? मेरी खुशी को अपने साथ अपने गरीबी के माहौल में ले जाकर के रखना चाहते हो तुम? नेहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अरे रिश्तों का लिहाज करो, रोहित इस घर का दामाद है। रोहित, तुम मुझे बताओ बेटा क्या बात है? दानी माँ, प्लीज आप इस बात में ना ही दखल दें तो अच्छा होगा। आपका रोहित बहुत अच्छा है ना? करा दी ना मेरी बेटी की जिंदगी आपने खराब? नहीं नहीं, रोहित इज दिस, रोहित इज दैट, ही इज नाइस, ही इज ब्रिलियंट, दिस इज रोहित। आपका रोहित आज मेरी खुशी को मेरे सामने थप्पड़ मार के गया है। आज आपका अच्छा रोहित मेरी खुशी को इस घर में हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। हमें भी कोई जरूरत नहीं है इसकी। मेरी खुशी तुम्हारे बिना बहुत खुश रहेगी रोहित, उसे भी तुम जैसे घटिया इंसान की कोई जरूरत नहीं है। रोहित बेटा, तुम तो जानते हो ना हमारी खुशी नादान है, ना समझ है वो लड़की तो, लेकिन बेटा तुम तो समझदार हो। तुमने अपना धीरज कैसे खो दिया बेटा? धन्यवाद, सिर्फ मैंने अपना धीरज नहीं खोया, आज मैं हार गया। मैंने अपने और खुशी के रिश्ते के लिए क्या नहीं किया, ना घर ना परिवार छोड़ के, सब मैं सब छोड़ के मैं आया खुशी की खातिर। जो उसने कहा मैंने वही किया। आज धनी माँ, इस घर में आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, सबको अपना समझ के आज मैंने अदिति भाई से कुछ मांग लिया, पर मैं भूल गया था मैं सिर्फ दामाद नहीं हूं, मैं खरदामाद हूं, एक कठपुतली हूं मैं। मुझे वही करना चाहिए जो मुझे खुशी करने के लिए कहती है। और जानते हैं आज उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि इस घर में जो मैं रोटियां खाता हूं वो भी मैं खुशी की बदौलत खाता हूं। बापी बताइए, ये सब सुनने के बाद मैं कैसे चुप रहता? इस घर में और मैं कैसे रह सकता था दानी माँ? अगर आज भी कोई कदम मैं नहीं उठाता तो जिंदगी भर घुट घुट के मर जाता, खुद की आंखों में कभी नहीं देख पाता। माँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे सिर्फ एक बार कह दीजिए, बस एक बार कह दीजिए रोहित तू गलत, एक बार कहती थी धनी। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो।
जानती हो परी, अगर अमेरिका में तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर भी जाना हो ना, तो तुम्हें फोन करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ की तरह नहीं, जब जी किया किसी के भी घर चले गए। क्या हो गया? वो कुछ नहीं बाबूजी, एक्चुअली खाना बनाते बनाते हाथ चल गया। परी ने देख लिया तो उसने कहा ताई जी आप बैठिए, बाकी का मैं कर लूंगी। वैसे बाबूजी खाना तो ऑलमोस्ट रेडी था, परी सिर्फ फिनिशिंग टचेस दे रही है। परी एक कप कॉफी बना कर लाओ। जी भाऊजी, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए कॉफी। अरे नहीं, तुम अपने हाथ पर ध्यान दो। भाऊजी कॉफी बनाने में तो जब परी तुम्हें वैसे ही काम नहीं करने दे रही है कोई काम, तो कॉफी क्यों बनाने देगी? परी बेटा कॉफी लेकर आओ। दादाजी आज आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों? तो होगी, जो कुछ घर में हो रहा है उसे देखकर यही होना। पर बेटा झूठ से मुझे नफरत है, झूठ मुझे परेशान भी कर जाता है और उदास भी। झूठ? हाँ झूठ, देख रहा हूँ घर में सब कुछ देख रहा हूँ, मेरी बहुओं का झूठा प्यार जो दिखावा करने के लिए कर रही है तुम्हारे लिए, दिन भर तुझे काम में उलझाए रखती और तू न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है, कभी किसी को ना कहना सीखा ही नहीं। कोई बात नहीं दादाजी, मैं अरे बात कैसे नहीं है, आखिर तेरी भी अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं? तुम और सौम एक दूसरे के साथ कितना समय बिता पाते हो? वो दिन भर ऑफिस में बिजी रहता है, तुम यहाँ घर के कामों में लगी रहती, और हमारी प्यारी प्यारी बहुएं तुम्हें दिन भर सुबह से लेकर रात तक उलझाए रखती हैं कामों। अरे भाई नई बहुएं घर में आती हैं तो उनका काम सिर्फ यही तो नहीं होता कि दिन भर और रात भर काम करती रहें घर के, उनकी अपनी जिंदगी भी होती है। शादी की बुनियाद पति और पत्नी का रिश्ता होता है, और उस रिश्ते को कायम रखने के लिए, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि वो लोग कुछ वक्त एक साथ गुजारें, घूमें फिरें, बाहर जाएं, हंसें मुस्कुराएं। तुम लोग बाहर जा रहे हो कुछ दिन के लिए? नहीं,